सो ये कहानी है अकबर और बीरबल की। अकबर बीरबल के बारे में हम सभी जानते हैं, अकबर बीरबल के किस्से हम सबने सुने हैं कि अकबर जैसा कोई राजा ना हुआ और बीरबल जैसा कोई मंत्री नहीं हुआ। सो एक बार की बात है, अब ऑब्वियस सी बात है, बीरबल अपने राजा अकबर के बहुत प्रिय थे, लेकिन ये बात दरबारियों को अच्छी नहीं लगती थी। तो दरबारी ऑलवेज ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से बीरबल को नीचा दिखाया जाए, कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता खोजा जाए जिससे बीरबल को वो राजा की नज़रों में गिरा सके, नीचा दिखा सके। तो एक बार सभी दरबारियों ने मिलके कुछ एक घटना रचनी चाही कि इस हो सकता है इस पैतृ से बीरबल राजा की नजरों में नीचे गिर जाएगा। सो हुआ ऐसा कि दरबारियों ने राजा को बताया कि महाराज आप बीरबल को एक टास्क दीजिए कि ये बैल का दूध लेकर आए। अब हम सभी समझ सकते हैं, सबको पता है बैल का दूध तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, कहां से लाएगा, सबको पता था ये चीज नहीं हो सकता और राजा को भी पता था कि ये असंभव है, लेकिन फिर भी राजा ने सोचा चलो बीरबल को ये कार्य दिया जाए क्योंकि वो बुद्धिमान है तो हो सकता है कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगा। इस बात पे पूरा भरोसा जताते हुए महाराज ने बीरबल को बुलाया और उसको बोला कि बीरबल ऐसी ऐसी बात है और आपको एक चैलेंज दिया जा रहा है कि आपको बैल का दूध लाना है। अब बीरबल तो समझ चुका था कि ये कहीं ना कहीं दरबारियों की ये एक साजिश है नीचा दिखाने की। तो बीरबल ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और बोला कि महाराज इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए और कल मैं आपके दरबार में जो बैल है उसका दूध लेके हाजिर होऊंगा। तो महाराज ने कहा ठीक है, परमिशन ग्रांटेड, दिया जाओ लेकर आओ। अब कल होने वाला था जो अकबर है वो अपने घर पहुंचे। घर पहुंचे तो अकबर हैरान परेशान, अब सोचे कि क्या किया जाए, कहां से वो दूध लाया जाए, हामी तो भर दी है लेकिन बदनामी भी होगी इस डर से, तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए। अब अपने जो बीरबल थे वो बहुत चिंतित थे इस चीज को लेकर, तो उनकी जो चिंता थी परेशानी थी उनकी बेटी ने देखा। उनकी बेटी ने देखा तो उनसे पूछा कि क्या बात है पिताजी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी लग रहे हो, चिंतित लग रहे हो। तो उसने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, दरबार में ऐसी ऐसी घटना हुई और मुझे कल बैल का दूध लेकर जाना है दरबार में। तो उसकी बेटी ने बताया कि मेरे पास इसका एक इलाज है, उपाय है, और आप कहें तो फिर इस चीज़ पर हम काम कर सकते हैं जिससे हो सकता है इसका समाधान निकल जाए। तो अब जो बीरबल है उसने पूछा कि हाँ जी बताओ क्या किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू प्लान, जैसे जैसे उन लोगों ने प्लान किया तो बाप बेटी ने मिलकर वो जो उन्होंने सॉल्यूशन सोचा था उस पर काम करना स्टार्ट किया। तो वो जो सॉल्यूशन था वो ये था कि रात के समय ही जो लड़की थी बीरबल की, जो अकबर था राजा थे, उनके महल के सामने जाकर जहाँ पे उनके महल से बाहर कुछ चीज़ें दिखती थी, जगह दिखता था बाहर का नज़ारा, वहाँ पे एक कुआं था, वहाँ पर जाकर वो कपड़े धोने लग गई और जोर जोर से कपड़े को मारने लग गई, थपकी से पीटने लग गई ताकि महाराज के कानों तक वो आवाज जाए। तो जैसे वो जोर जोर से मार रही थी तो कुछ देर तक ये घटना चली और महाराज को अंत में जब नहीं रहा गया तो वो खुद देखने लग गए कि कौन है जो इतनी रात को कुएं पे कपड़े धो रहा है, इस तरह से आवाजें निकाल रहा है। तो जब महाराज ने जोर से आवाज लगा के पूछा कि कौन है जो अभी इतनी रात को कपड़े धोने जा रहा है, तो उस बच्ची ने बताया कि महाराज दिन भर मैं बिजी थी क्योंकि जो मेरी माता जी हैं वो गांव गई हुई हैं और अपने मायके गई हुई हैं और उनकी अनुपस्थिति में मेरे पिताजी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। अब इतनी बात सुननी थी कि महाराज एकदम आग बबूला हो गए और थोड़े गुस्से से भी हुए कि ये कौन है जो ऐसी मूर्खता भरी बातें कर रहा है, क्या ऐसा भला हो सकता है कि मर्द भी कभी बच्चे दे सकता है। तो उन्होंने गुस्से भरे आवाज में पूछा कि क्या भक्ति हो, ये कैसे हो सकता है, तुम मुझे मूर्ख समझती हो क्या कि मर्द कैसे बच्चे दे सकता है। तो उस बच्ची ने एक बात कही कि महाराज जब बैल दूध दे सकता है तो फिर मर्द बच्चे क्यों नहीं दे सकता। तो इतनी बात सुननी थी कि महाराज समझ गए कि कहीं ना कहीं ये एक साजिश है या समाधान है, ये बीरबल की करतूत है। तो उन्होंने पूछा कि कौन है आपके पिताजी, तो उधर से आवाज आई, बीरबल जो खड़े थे पेड़ के पीछे वो बोलते हुए कि महाराज मैं हूँ वो पिता और ये मेरी पुत्री है। तो ये जो सारा इवेंट हुआ, ये सारी घटनाएं थी वो आपको ये बताने के लिए थी कि ये ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, जो चीज़ असंभव है वो कैसे हो सकती है। तो आपने दरबारियों की बात मानकर मुझे जो ये चैलेंज दिया था उसका समाधान यही है कि बैल कभी दूध नहीं दे सकता जिस तरह से मर्द कभी बच्चे नहीं दे सकते, और ये समाधान था। तो अगले दिन अब ऑब्वियस सी बात है यह असंभव तो था ही, तो दरबारियों को जो मुंह की खानी थी वो खाई और फिर से बीरबल की प्रशंसा हुई जो लास्ट डे घटना घटी थी उसको देखते हुए। और एज यूजुअल जैसे बीरबल को हर बार पुरस्कार दिया जाता था, इस बार भी पुरस्कृत किया गया। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि देखो लाइफ में ऑलवेज देयर विल बी चैलेंजेस, लॉट ऑफ चैलेंजेस। मे बी कि आपको नेगेटिव सिचुएशन मिले, पॉजिटिव सिचुएशन मिले, बट द थिंग इज
कि किसी भी परेशानी का सामना आप अपनी बुद्धि से, विवेक से और अच्छे से सोच समझ कर ही कर सकते हैं।